महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के उद्धव ठाकरे पर दिए गए बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। अब शिवसेना और बीजेपी राज्य में आमने सामने है। दरअसल बयान नारायण राणे ने दिया और शिवसैनिकों ने बीजेपी कार्यालय को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। नासिक और मुंबई में बीजेपी दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई है। इसके बाद अब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और शिवसेना को चेतावनी दी है। फडणवीस ने साफ कहा है कि शिवसेना ऐसे ही बीजेपी कार्यालय को निशाना बनाएंगे तो प्रतिक्रिया भी होगी, हम इसके लिए तैयार हैं। फडणवीस ने यह भी कहा है कि शिवसैनिकों के मुताबिक उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे के निर्देश पर कार्रवाई की है, ये हैरान करने वाली बात है। फडणवीस ने राज्य में अघाड़ी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि महाराष्ट्र के भी हालात बंगाल जैसे हो गए हैं। उन्होंने साफ कहा कि उद्धव ठाकरे पर नारायण राणे के बयान के समर्थन वो नहीं करते, लेकिन पार्टी उनके साथ खड़ी है। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में शर्जील उस्मानी ने भारत माँ को गाली दी, लेकिन उस पर FIR दर्ज नहीं हुआ, लेकिन नारायण राणे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फडणवीस ने आरोप लगाया कि पुलिस के संरक्षण में कुछ लोग हमारे ऑफिसों पर पथराव की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पार्टी कार्यालयों पर हमला हुआ तो उसकी रक्षा करने में हम सक्षम हैं, इसकी गंभीर प्रतिक्रिया होगी। गौरतलब है कि अपनी आशीर्वाद यात्रा के दौरान नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए उन्हें थप्पड़ मारने की बात कह दी थी। राणे ने कहा था कि 15 अगस्त को सीएम ठाकरे ये भूल गए थे कि आज़ादी को कितने साल पूरे हुए हैं। इसके बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। नारायण राणे के खिलाफ कई FIR भी दर्ज की गई थी, जिसके बाद राणे को हिरासत में लिया गया है। वहीं शिवसेना के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के दफ्तरों पर पत्थरबाजी से माहौल गर्म हो गया है। बीजेपी और शिवसेना के बड़े नेताओं के बीच भी बयानबाजी जारी है। बीजेपी ऑफिस पर पत्थरबाजी का आरोप लगाकर देवेंद्र फडणवीस ने भी ताल ठोक दिया है। ऐसे में नारायण राणे के बयान के बाद महाराष्ट्र में जो सियासी बवाल शुरू हुआ है वो कब खत्म होगा ये कहना अभी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।